आसिफ, यूपी में छठे चरण का मतदान जारी है। सातवें चरण के मतदान प्रचार को लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत लगा रही हैं और जबरदस्त तरीके से तैयारियां कर रही हैं। कोई कहीं प्रचार कर रहा है तो किसी का कहीं दौरा भी है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी के बारे में। प्रियंका गांधी 2 दिन के दौरे पर हैं, यानी 2 दिन रहेंगी वाराणसी में। वाराणसी किसका क्षेत्र माना जाता है, संसदीय क्षेत्र, हम सब जानते हैं। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र माना जाता है। सवाल यही है कि क्या प्रियंका गांधी वहां सेंध लगा पाएंगी, क्या वहां के लोगों को लुभा पाएंगी, क्योंकि 2 दिन जो रुकने वाली हैं वो तो लोगों से मुलाकात करने वाली हैं, मुखातिब होने वाली हैं और यूपी चुनाव को लेकर प्रचार करने वाली हैं। सवाल ये भी है कि प्रियंका गांधी लगातार मैदान में दिख रही हैं, लगातार हर जिलों में जाकर मोदी सरकार के साथ साथ योगी सरकार पर हमला बोल रही हैं। तो इस बीच में देखना यही होगा कि प्रियंका गांधी जो बीजेपी के लिए मुसीबत तो बनी है क्योंकि महिलाओं की बात कर रही हैं, प्रियंका गांधी इसलिए भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गई क्योंकि लगातार किसानों की आवाज़ को उठाती रहीं, प्रियंका गांधी इसलिए भी बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए क्योंकि प्रियंका गांधी महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक का चर्चा करती रही हैं और जहाँ भी कोई हादसा हुआ तुरंत वो फौरन पहुँच जा रही हैं, इसलिए परेशानियाँ बीजेपी की और बढ़ गई। अब देखना होगा कि संसदीय क्षेत्र में पहुँचने के बाद प्रियंका गांधी जो गेम खेलने वाली है उसका मुकाबला बीजेपी कैसे करेगा। सवाल ये भी कि इस वक्त भले अखिलेश यादव या फिर बात कर ले आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी के बारे में, ये दोनों के बारे में चर्चा तो किया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन प्रियंका गांधी जो ग्राउंड पे काम की है, जिस तरह से जो मैनिफेस्टो लाए, प्लान बनाए, जिस तरह से महिला किसानों के साथ दिखे, जिस तरह से सेल्फी लेती दिखी, बीजेपी के कार्यकर्ता भी उनसे हैंडशेक करते हुए हाथ मिलाते हुए देखे, इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस जीते या ना जीते लेकिन यूपी की राजनीति में एक नया मोड़ ला दी है और नई बहस छेड़ दी है कि प्रियंका गांधी में वाकई में इंदिरा गांधी का रूप दिखता है। देखना यही होगा कि आखिर एक चरण बचा हुआ उसके लिए तमाम पार्टी तैयारियां तो कर रही हैं, इसमें प्रियंका गांधी का क्या रोल रहता है, वो चुनाव प्रचार के स्तर में कहां पर रहती हैं, इस रेस में कौन आगे रहता है, हर एक अपडेट्स स्पेन आई न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों को देखते हैं स्पेन आई न्यूज़। नमस्कार।